राहुल गांधी बहुत लंबे समय के बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी आए हुए हैं, ऐसे में अमेठी की जनता जब वो नया यात्रा लेकर निकल रहे थे उनको देखने के लिए आप खड़ी, तो क्या सोचते हैं आप? अमेठी के निवासी हैं आप लोग, कहाँ के हैं? देखिए, हम तो लखनऊ से आए हैं लेकिन अमेठी में मैंने लंबे अरसे से काम किया है। अमेठी के जनता के बहुत प्रिय है राहुल जी, और राहुल जी अमेठी को अपना घर मानते हैं। देश में कहीं भी रहते हैं लेकिन अमेठी के प्रति उनका जो लगाव है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। और चूंकि ये लंबी यात्रा है, यहाँ कम समय की यात्रा है, लेकिन एक मीटिंग है आगे, 8 किलोमीटर वहाँ टोल पे मीटिंग है, बहुत बढ़िया मीटिंग की जनता पसंद कर रही है राहुल गांधी को? बिल्कुल पसंद कर रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग तो 2 दिन से यहाँ घूम रहे थे, अमेठी की जनता इंतज़ार कर रही कि राहुल गांधी जी वापस आएँ, नॉमिनेशन करें। और पिछली बार जो राहुल गांधी जी को हार हुई, बहुत पछतावा है, 5 साल से इंतजार कर रही है अपनी गलती को सुधारने का यहाँ की जनता। आप क्या नाम है आपका? यहाँ की जनता राहुल गांधी को बहुत लोकप्रिय मानती है, और अब की बार यहाँ से राहुल गांधी अच्छे वोटों से जीत करके जाएंगे। यहाँ पे राहुल गांधी ने बहुत विकास किया, स्मृति ईरानी ने यहाँ पे हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हम छोटे से आम जनता हैं, कार्यकर्ता नहीं, लेकिन लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हैं राहुल गांधी यहाँ की जनता के लिए, और बहुत ज़्यादा विकास किया यहाँ पे उन्होंने। हाँ बताइए, आप अमेठी की जनता राहुल गांधी को वोट, अब क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? डिमांड यहाँ से अमेठी से हो रही है। हम लोग सबका मानना है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, बहुत उनकी डिमांड है। वो सिर्फ यहाँ पर इस समय उनकी लहर है, कांग्रेस बुरी तरीके से अमेठी के लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल जी दोबारा उनके साथ हों, उनके प्रतिनिधि बने, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि बने, हम लोग सब साथ में। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आप यहीं का अमेठी के हैं, कौन ज़्यादा कच्चा है आपके लिए? राहुल गांधी, कांग्रेस अमेठी का परिवार है राहुल गांधी की, गांधी परिवार हमारे यहाँ का परिवार माना जाता है, उनका घर है अमेठी, हम लोग राहुल गांधी को जानते हैं। आप बताइए। नीरज यादव नाम है हमारा। अमेठी की जनता बहुत खुश है यार, राहुल गांधी जी हमारे गौरीगंज में आए हुए हैं, और अमेठी का बहुत ही विकास इन्होंने किया है यहाँ पे, और 2024 में अरे आप लोगों ने तो चुनाव हरवा दिया था पिछली बार अमेठी, अरे किन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने हारा पता, और विकास बहुत किया है, अब क्या होता क्या नहीं, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं वोट देने के वो हो गए हैं, लेकिन अब की बार इनको पूर्ण बहुमत से जिता के यहाँ से निकालेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रणवीर सिंह है। रणवीर जी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है ना? पॉलिटिकल नहीं, हम स्टूडेंट हैं बस। हम बताइए किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? राहुल को पसंद करेंगे क्योंकि इस सरकार में तो हमने बहुत मेहनत की थी, लाइब्रेरी में पढ़ते थे रात दिन, पेपर लीक हो गया, ये भाई का इस बार सिलेक्शन हो जाता खाकी वर्दी पहन लेते। यूपीपी का 17 तारीख सेकंड पाली वाला लीक हो गया, 18 तारीख को लीक हो गया, वो भी लीक हो गया 18 तारीख जाता है, तो फिर क्या होगा सरकार? अब गरीब के बच्चे क्या करेंगे, पेपर लीक हो जाएगा। तो चलिए, अमेठी की जनता किसे पसंद कर रही है? अमेठी की जनता राहुल को हमेशा पसंद की है, हमेशा पसंद करेगी। आप बताइए अमेठी में तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं राहुल गांधी। तो चलिए, ये अमेठी के कुछ लोग हैं, हालांकि इसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे, लेकिन युवाओं में कुछ क्रेज देखने को मिला अमेठी में। चूँकि अमेठी एक पारंपरिक सीट रही है नेहरू गांधी परिवार की, और गांधी परिवार के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, और यहाँ से नामांकन दाखिल कर देना भरी इस बात की गारंटी होती थी कि वो यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, एक ऐसा भी दौर था। लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को यहाँ पर चुनाव हरवा दिया, और अब स्मृति ईरानी भी लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही है, ऐसे में अमेठी की इस संसदीय सीट पर अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते जिसकी प्रबल संभावना भी है, और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता वो भी चाहते हैं, तो ऐसे में एक बार फिर अमेठी में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और मंजुल निगम के साथ मानस श्रीवास्तव, अमेठी न्यूज़ 24।